मैं बीएस भंडारी आप सभी का आज के इस हेल्थ अवेयरनेस कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाल करके जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत की है, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। इस दुनिया में दोस्तों, आप पैसा किसी को दे सकते हो किसी के मांगने पर, लेकिन समय बहुत कीमती होता है, कोई किसी को समय नहीं देता। बावजूद उसके आज आपने जो यहां पर समय निकाला है, मैं यकीन दिलाता हूं आपको यह समय आपका बेकार नहीं जाएगा। आप सभी को धन्यवाद अदा करना चाहिए अपने उस दोस्त का, अपने उस मित्र का, अपने उस पड़ोसी भाई का जिसने आज आपको यहां पर इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया है। एक बार जोरदार तालियां अपने उस दोस्त के लिए। थैंक यू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपको मिलने वाली है ना, वो प्राइसलेस है, वो अमूल्य है। यह जानकारी यकीन जानिए आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे ना, तो भी शायद ही आपको आज तक कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो या फिर आगे कहीं मिल पाती। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आप इस बात पर मेरी मोहर लगा करके जाएंगे जब यह आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल को छोड़ेंगे, कि वाकई में जो आज आपको यहां से नॉलेज मिला है वो कितना कीमती आपके लिए है। और इस जानकारी को देने के लिए आज जो शख्स हमारे बीच आने वाले हैं दोस्तों, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो शख्स नहीं, एक ऐसी शख्सियत है जिनके मार्गदर्शन में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोगों का जीवन बदला। जी हां दोस्तों, क्या ही बात करूं मैं उनके नॉलेज की, क्या ही मैं उनके बारे में बताऊं दोस्तों। वो एक मध्यवर्गीय परिवार में, किसान परिवार में जन्मे, और उसके बाद में दोस्तों 20 साल उन्होंने भारतीय सेना में नौकरी की, और पिछले 6.5 साल से लगभग वह इस संस्था एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के एक बेहद ही नेक कार्य, एक बेहद ही नेक मिशन, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का अलग पूरे देश में चला रहे हैं दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कंपनी के एम्बेसडर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री रामवीर सिंह जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए दोस्तों। यकीन मानिए, आज जब वो मंच पर आएंगे और आज वो अपने ज्ञान की वर्षा जब आप लोगों के बीच करेंगे, तो आप भी उनके ज्ञान के कायल हुए बिना रह नहीं पाएंगे। इतना अद्भुत नॉलेज उनके पास है, आपको ऐसा एहसास होगा कि यार आज तक हमारी इन शख्स से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, तो अब मैं आपके बढ़ती उत्सुकता और उस महान शख्स के बीच बाधा न बनते हुए उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन क्या मैं आपसे एक फेवर चाह सकता हूं, क्या आपका मुझे एक साथ मिल सकता है? Yes, दोस्तों, मैं आपसे चंद एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आप सभी के पास में एक यंत्र होगा ध्वनि प्रदूषक मोबाइल है? Yes, है? Yes, किस किसके पास है? दिखाए जरा, दिखाए मुझे भी दीजिए, ऊपर कीजिए साहब, किसके? ओके, तो दोस्तों चलिए आइए यह प्रोग्राम हमारा सुचारू रूप से चल सके, कोई व्यवधान ना पड़े, इसके लिए क्यों ना इस फोन को हम थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर ले, कर सकते हैं? Yes, कर सकते हैं। Yes, तो प्लीज इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ करता हूं। थैंक यू। शायद किसी भाई को, किसी बहन को संकोच हो फोन स्विच ऑफ करने में, कोई जरूरी काम हो, कोई जरूरी मैसेज आने वाला हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फोन स्विच ऑफ करने में आपको संकोच हो तो आप इसे साइलेंट मोड पर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक फोन की रिंगटोन बजी ना दोस्तों, तो यहां पर बैठे हुए सैकड़ों लोगों का भविष्य खराब कर सकती है, क्योंकि आपके उस रिंगटोन से सभी लोगों का ध्यान भंग होगा और पता नहीं कौन सी जरूरी बात मंच से वो वक्ता बता रहे हो जो हम सबका जीवन बदल सकती हो, वो स्किप हो जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि साथियों, यह प्रोग्राम हमारा लगभग आपका 45 से 50 मिनट चलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीच में उठ करके मूवमेंट ना करें। अगर आपको कोई बहुत जरूरी कार्य हो,
कि आप 50 मिनट एक घंटा आप ना बैठ सकते हो, तो बेशक आप चाहे इस प्रोग्राम को अभी जोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीच में मूवमेंट ना करें, आवाजाही ना करें, क्योंकि आपके खड़े होने मात्र से जो मंच पर वक्ता है उनका ही नहीं, बैठे हुए सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और जो मीटिंग का फ्लो है, जो प्रोग्राम का फ्लो है दोस्तों, वो टूट जाएगा, सबका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। सही है दोस्तों? अलावा इसके दोस्तों आपसे एक और आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आप प्रोग्राम के दौरान मध्य में अगर आपको कोई मन में सवाल उठे तो प्लीज अचानक से खड़े होकर के सवाल रेज मत कर देना, हो सकता है आपके सवाल का जवाब अगले पल ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम ही स्लाइड बाय स्लाइड डिजाइन है, शायद आपके सवाल का जवाब अगली स्लाइड में छुपा हुआ हो और आपके उस एक सवाल की वजह से दोस्तों जिस फ्लो के अंदर प्रोग्राम चल रहा है वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा और समय खराब हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रोग्राम की समाप्ति के बाद दोस्तों इस हॉल को तभी छोड़िएगा जब आपके उस सवाल का जवाब मिल जाए, अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, जिसने अगर आपको इनवाइट किया है उससे उस सवाल का जवाब लेकर के ही जाइएगा। कोई भी मन में कंफ्यूजन लेकर के हॉल मत छोड़िएगा। क्या इतना साथ आपका मिल सकता है? yes. क्या इतना फेवर आपका मिल सकता है? yes. तो क्या मैं अब बुला लूं उनको? yes. क्या आप सुनने के लिए एक्साइटेड हो? yes. क्या आप तैयार हो? yes. दोस्तों आपका एक्साइटमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं दोबारा पूछना चाहता हूं आपसे, आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? मिलना चाहते हो? yes. सुनना चाहते हो? yes. जानना चाहते हो? yes. तो दोस्तों आपकी सफलता और उस महान शख्स के बीच बाधा ना बनते हुए मैं मंच पर आप सबके सहयोग से उनको आमंत्रित करता हूं। तो आइए दोस्तों भारतीय परंपरा अनुसार खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ फुल होटिंग के साथ में मंच पर आमंत्रित करते हैं कंपनी एम्बेसडर, मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री रामवीर सिंह।